नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। समाजवादी पार्टी को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और आजमगढ़ के फूलपुर पवई से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को अलग अलग मामलों में जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 महीने की सजा सुनाई है। अब तक की बड़ी खबर, साथ ही कोर्ट ने 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश आते ही पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिसंबर 2019 में पीड़ित मित्र सैन सिंह जयसीज चौराहे पर अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। उसी दौरान रमाकांत यादव अपने काफिले के साथ आ रहे थे। आरोप है कि काफिले में सवार रमाकांत और उनके समर्थकों ने मित्र सैन के खिलाफ मारपीट कर दी है। वहीं एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि रमाकांत ने मित्र सैन की छाती पर राइफल सटा दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित मित्र सैन सिंह ने मामले में रमाकांत यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इसी मामले में आजमगढ़ पुलिस ने रमाकांत यादव के खिलाफ बलवा मारपीट समेत सभी धाराओं में चार्जशीट लगाई है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को दोषी ठहराया और 9 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट का आदेश आते ही पुलिस ने रमाकांत को हिरासत में लेते हुए जेल में भेज दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वर्तमान विधायक रमाकांत को 9 महीने की जेल हो गई है, जिसके बाद सपा पार्टी में हड़कंप मच गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। आप अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।